राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आशा रखती हूँ बहुत बढ़िया से हैं। अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। जो लोग न्यू हैं, मुझे पूरी उम्मीद है वो भी सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और जिन्होंने किया हुआ उनको बहुत बहुत धन्यवाद लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, मेरे साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए कमेंट्स में कि आपके साथ कितनी रेजोनेट की, आप अपनी लाइफ में आगे क्या चाहते हैं। थैंक यू सो मच, रियली दैट मीन्स अ लॉट टू मी, बिकॉज ये कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए और ज्यादा रीडिंग्स बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर जो भी एक प्रोग्रेस हुई है, 1000 सब्सक्राइबर्स हुए हैं, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। सो आज की जो रीडिंग है, अगेन दिस इज अ जर्नल रीडिंग, टाइमलेस है ये, जब भी आपके पास पहुंचेगी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के साथ, मुझे इंट्यूटिवली ऐसा जरूर लगता है आपके पास अगर ये वीडियो पहुंची है तो आपको जरूर रेजोनेट करेगी, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको ना रेजोनेट करे तो आप मेरे से पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, अपने रिलेशनशिप के इनसाइट के लिए, या फिर आप अपने प्रोफेशनल उसके लिए भी रीडिंग ले सकते हैं। जरूरी नहीं है लव लाइफ के लिए लेना, आप प्रोफेशनल उसके लिए भी ले सकते हैं, या एनीथिंग, एनी क्वेश्चन, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो लेट स्टार्ट टूडेज, आई विल डू टू पाइल्स टूडे, ठीक है, टू पाइल करूंगी। तो आप इसमें कृष्णा की गाइडेंस भी होगी, क्या ऑब्स्टेकल्स हैं आपका लॉन्ग रन में, आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा वो भी हम जरूर चेक करेंगे, ठीक है जी। और ये रीडिंग सभी के लिए, चाहे कोई मैरिड है, अनमैरिड है, रिलेशनशिप में है, नहीं है, ब्रेकअप हुआ हुआ है, लेस कॉन्टेक्ट है, सेपरेशन में, सबके लिए, ठीक है, क्योंकि मैं सभी के अकॉर्डिंगली इसमें गाइडेंस जरूर दूंगी। तो आई एम डूइंग टू पाइल्स, तो आप एक बार ही आंख बंद करके इंट्यूटिवली सोच लीजिए आपको कौन सा पाइल लेना है, पाइल वन और पाइल टू, जो भी आपको दिखाई दे वही पाइल आपके लिए है। सो लेट स्टार्ट, आई होप आपने चूज कर लिया है अपने लिए पाइल। तो आई एम डूइंग फॉर पाइल वन, फर्स्ट ऑफ ऑल डूइंग फॉर पाइल वन, कि आपके रिलेशनशिप का लॉन्ग रन में कैसा रहेगा, क्या उसका स्टेटस रहेगा, किस तरह से प्रोग्रेस होगी, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स हैं, लोग उसको किस तरह से आपके रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, सब कुछ देखेंगे। सो आप भी अगर टैरो का कोर्स करना चाहते हैं तो आप में से टैरो का कोर्स भी कर सकते हैं, वेरी नॉमिनल अमाउंट में है, ठीक है। और अगर आप न्यूमरोलॉजी का या फिर रेकी का भी कोर्स करना चाहें तो आप वो भी मेरे से कर सकते हैं, अगेन वेरी नॉमिनल प्राइसेस, वेरी सून मैं लॉन्च कर दूंगी। आप मेरे से डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट टूडेज रीडिंग। ओ माई गुडनेस, मुझे दिखाई दे रहा है, डायरेक्टली दिखाई दे रहा है, ये कहीं ना कहीं ज्यादा जो है रीडिंग रेजोनेट करेगी जिनका लड़ाई झगड़ा चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही है, उन लोगों के लिए है। आप चाहे मैरिड हो, मैरिड कपल में भी लड़ाई झगड़ा होता है ना, खूब अच्छी वाली फाइट हो जाती है। आप सेपरेशन में है, ब्रेकअप में, आप रिलेशनशिप में है, इनफैक्ट आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ भी रहा है, फिर भी अगर प्रॉब्लम्स हैं तो ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेट तब भी करेगी। तो मैं देख रही हूँ आप लोगों का पास्ट में कुछ झगड़ा वगैरह हुआ है, और वो ऐसा हुआ है कि सब कुछ एक टाइम को जैसे बिखर गया, बिल्कुल पूरी तरह से बिखर गया, टूट गया, बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं नेगेटिविटी जिसके कारण हुई, इसका कारण आउटर इन्फ्लुएंसेस भी हो सकता है। क्या होता है, बैक बाइटिंग होती है, लोग भड़का देते हैं, उस तरह की चीजें मेरे को दिखाई दे रही है। इंट्यूटिवली ये मेरे को मैसेज मिला है कि हो सकता है लोगों ने इस आपके रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस किया हो, इन्फ्लुएंस और वो भी नेगेटिविटी के साथ, टॉक्सिसिटी के साथ, जिसके कारण आपके पर्सन या फिर आप वाइस वर्सा रहेंगी, फीलिंग्स एनर्जीज जो है, तो हो सकता है आप दोनों में से किसी एक ने थोड़ी सी नासमझी दिखाई है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है लोगों के कारण, सिचुएशन के कारण, उस समय सिचुएशन ऐसी हो गई और यहाँ पर ब्रेकअप हो सकता है, पूरी तरह से मन मुटाव आप लोगों का चल रहा हो, तो ये पास्ट की एनर्जी आपकी आई है
कि आप लोग सेपरेशन में हैं, साथ में होते हुए भी साथ में नहीं है, वो वाली एनर्जी है। प्रेजेंटली मैं देख पा रही हूँ आपके सभी कार्ड्स को देखते हुए कि फिर से पैचअप मेरे को दिखाई दे रहा है। सिचुएशन ये है, पैचअप हो रहा है और उसमें अगेन जैसे पहले लोगों के कारण आपका डिस्प्यूट हुआ, आपके मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, आपके बीच में लड़ाई हुई, आप दोनों के बीच में दूरियां जो आई पहले भी लोगों के कारण आई और अब अगेन लोगों के कारण ही मेरे को आपकी सिचुएशन संभलती हुई दिखाई दे रही है। और ये वो लोग हैं जो आपका अच्छा चाहते हैं, जो सिचुएशन को संभाल रहे हैं इस समय, ये वो लोग हैं जो आपके लिए बेटर चाहते हैं, आपकी लाइफ को सुधारना चाहते हैं, वो चाहते हैं आप दोनों साथ रहें, ये वो लोग हैं। पहले जिन्होंने भी आपको गाइड किया, जिस भी तरह से गाइड किया, डियर प्लीज ध्यान रखिएगा, वो लोग थे जो आप लोगों को नहीं चाहते थे कि आप लोग साथ में रहें, ठीक है। अब वो लोग आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, इंटरवेन कर रहे हैं, अब इंटरफेरेंस नहीं कहेंगे इसको, इंटरवेनिंग कहेंगे, कि वो लोग आप दोनों साथ रहें ऐसी कोशिश कर रहे हैं, आप दोनों को समझा रहे हैं, ये भी कह रहे होंगे कि ऐसी चीजें होती रहती हैं, छोटी मोटी चीजें, तो वो लोग सही कह रहे हैं, आपकी सिचुएशन प्रेजेंट में ये चल रही है, ठीक है। नियर फ्यूचर में अभी आप चाहे नहीं भी मान रहे हैं ये सब चीजें, मैं देख पा रही हूँ आगे आने वाले समय में आप लोग एक साथ फिर से होंगे, रिकंसिलेशन। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस जो लोग सेपरेशन में हैं, उनका रिकंसिलेशन और बहुत स्टेबल रिकंसिलेशन मेरे को दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो रिकंसिलेशन है स्टेबल क्यों होगा, बहुत सोच विचार करके, समझ के, जो गलतियां हुई हैं उनको समझ के, एक बहुत ग्राउंडेड वे में, स्थिरता के साथ आपके पर्सन और आप दोनों ही इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। अब एक नई शुरुआत होगी, अगर आप मैरिड भी हैं तो देखिए कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं, बहुत ज्यादा झगड़े वगैरह बढ़ जाते हैं और यकीन मानिए जब बाहर के लोग झगड़े करवाते हैं ना तो वो बहुत बुरी तरह से कराते हैं, तो आपके जीवन में, आपकी मैरिड लाइफ में मेरे को एक नया स्पार्क दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत फिर से एक न्यू बिगनिंग होगी, फिर से सब कुछ शुरू होगा और बहुत सुंदर होगा, दोनों की तरफ से एफर्ट्स होंगे, स्टेबिलिटी आएगी आपके रिलेशनशिप में, जो सेपरेशन में उनका रिकंसिलेशन होगा और जिनका ब्रेकअप हुआ है, अब उन लोगों की बात करें तो ब्रेकअप वाले कंग्रेचुलेशंस, तो ब्रेकअप वाले जो हैं मुझे दिखाई दे रहा है प्रेजेंटली आप किसी गैदरिंग वगैरह में गए हैं, आपके स्कूल की गैदरिंग भी हो सकती है, कॉलेज की भी हो सकती है, आपके वर्क प्लेस की गैदरिंग, कोई फंक्शन वगैरह हुआ है या फिर आपके घर की कोई मैरिज वगैरह है, कोई गैदरिंग है जहां पर आप अपने पर्सन से, एक नए पर्सन से मिलेंगे, जो पूरी तरह से किसी नए पर्सन को चाहते हैं अपनी लाइफ में, मैं देख पा रही हूं उनको कहीं ना कहीं उनकी किसी गैदरिंग, फंक्शंस वगैरह में, कहीं पर भी भीड़ में या फिर वैसे भी उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है और एक बहुत अच्छे नोट के साथ आ रहा है, एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में, लव लाइफ में होने जा रही है, एक नया पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। और ये जितनी भी चीजें आपकी लाइफ में अब प्रेजेंट में होने जा रही हैं, ये बहुत सोच विचार करने के बाद होने वाली हैं, बहुत अच्छे से सोचा है। पहले कुछ चीजें इस तरह से थी कि माय वे ओनली वे, ठीक है, मैनिपुलेशंस थे, अभी भी रहेंगे, ठीक है। हो सकता है वो कुछ फायदा देखते हुए आ रहे हो, कुछ ना कुछ जो मैरिड कपल्स हैं कि भाई डाइवोर्स वगैरह में बहुत लॉस हो जाएगा, ये भी हो सकता है, आपके बच्चे हो इस वजह से हो सकता है वो सिर्फ, लेकिन बहुत अच्छे से सोच विचार किया है उसके बाद आपका अब ये रिकंसिलेशन पैचअप वगैरह होने जा रहा है। ये ऐसे ही नहीं है, ग्राउंडेड है, समझ के आगे बढ़ा जा रहा है। तो आपका अगर कोई नया रिश्ता भी आ रहा है तो बड़े वो एक्शन लेने को इसमें तैयार है, पूरी तरह से तैयार है, एक्शन लेना चाहते हैं, उनके दिमाग में भी आप है, ज्यादा मेरे को दिमाग में दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए लड़ाई जब ज्यादा होती है ना, कुछ इस तरह की चीजें होती हैं, तो हमारे दिमाग में ना लगातार वो नेगेटिविटी चलती रहती है, लगातार नेगेटिव थॉट्स आते ही रहते हैं, कितना ही रोके लेकिन बार बार रिपीटेडली वो रिपीट होते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने माइंड पर अब कंट्रोल किया, वो अपनी मैनिपुलेशंस पे कंट्रोल कर रहे हैं। मैनिपुलेशंस क्या होता है कि भाई मैंने इस तरह से कह दिया, अपनी नहीं,
अपनी गलती को छुपाने के लिए वो गलती सामने वाले पर थोप देना और इस तरह से थोपना कि वो खुद भी बंदा कंफ्यूज हो जाए, वाकई में मेरी गलती थी। ठीक है, अब वो उस मैनिपुलेशन से बाहर निकलते हुए, पावर में तो अभी भी है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अभी भी होगा, ऐसा नहीं है कि चीजें बहुत ज्यादा सुधरती हुई हैं, लेकिन डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग है, डेफिनेटली 100% एक न्यू बिगनिंग है। और उस न्यू बिगनिंग के साथ कोई बात नहीं, अभी पूरी तरह से सॉर्ट आउट नहीं है लेकिन है। ठीक है जी, इसमें एनवायरमेंट क्या, आपके जो आसपास के लोग हैं उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा था। ठीक है, अभी भी वो आपको वॉच कर रहे हैं, इफ यू कैन सी फ्रॉम दिस विंडो, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो अभी भी आपकी लाइफ के अंदर झांक रहे हैं, आपके रिश्ते के अंदर झांक रहे हैं कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है। बहुत से लोग हैं, उनमें से कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, अच्छे और बुरे इन अ सेंस जो लोग चाहते हैं आपका रिश्ता बना रहे वो अच्छे हैं ऑब्वियसली। ठीक है, जो लोग चाहते हैं ये ब्रेकअप हो जाए, टूट जाए, डाइवोर्स हो जाए, वो ऑब्वियसली वो आपके फेवर में नहीं है। रिश्तों का टूटना कभी भी अच्छा नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, कभी भी नहीं होता। कोई भी इंसान कंप्लीट नहीं है, परफेक्ट नहीं है। तो प्यार, सच्चा प्यार वो होता है, सच्चा रिश्ता वो होता है हम सामने वाले की कमियों को भी एक्सेप्ट करें। हम सब में कमियां हैं, हम सामने वाले में ढूंढते रहते हैं, हम सब में कमियां हैं, ऊपर नीचे होता रहता है, लड़ाई झगड़े कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ट्रस्ट मी इतना बड़ा इशू नहीं है, खुल के बात करने की बस जरूरत होती है। तो कुछ लोग, फॉर फ्यू ऑफ यू, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूं अब जो बोल रही हूं, कुछ लोगों के ऊपर मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने कुछ करा भी है। ये सबके साथ नहीं है, जो थाउजेंड्स में व्यूअर्स होते हैं उनके लिए नहीं है, लेकिन बंच ऑफ पीपल, कुछ लोगों के साथ ये सिचुएशन जरूर होगी। बाहर के लोगों ने, किसी भी इंसान ने आपके रिश्ते के ऊपर कुछ ना कुछ जरूर किया है। और मेजोरिटी ऑफ पीपल, जो आपके लव वंस हैं, जो आपके जैसे पेरेंट्स होंगे या जो आपके लिए अच्छा चाहते हैं, ये रिश्ता बना रहे, मैंने आपको बताया था ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं आपका रिश्ता बना रहे, तो वो लोग जो हैं वो आपके लिए प्रेयर्स भी कर रहे हैं, आपके लिए दान पुण्य कर रहे हैं। ठीक है, आपके लिए बहुत ज्यादा दुआएं मांग रहे हैं। तो दोनों तरह के लोगों की इन्वॉल्वमेंट है आपके, आपकी लव लाइफ में इस समय, तो आपको बहुत सतर्क होके अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर करना है। ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा आपको सतर्क रहना है, ऐसे नहीं, बेहोशी में नहीं, आपको सोच समझ के अपने, अपनी फैमिली की बात, अपने रिश्ते की बात, अपने रिलेशनशिप की बात किसी से करनी है जो आपका सच में भला चाहता है। पहले आपको ये पॉइंट आउट अपने आप में समझना है, उसके बाद आगे बढ़ना। ठीक है जी, साथ ही साथ कुछ चीजें मैं देख रही हूं, आपकी जो प्लस पॉइंट्स है ना वो ये है कि आप बहुत केयरिंग हो, यू आर वेरी नर्चरिंग। ठीक है, वेरी नर्चरिंग, वेरी लविंग, वेरी स्टेबल। इफ यू आर अ फीमेल, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। इफ यू आर अ मेल, आपके अंदर काइंडनेस है बहुत ज्यादा, आप लविंग हैं, आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हैं। ठीक है, इन चीजों को, जो आपकी स्ट्रेंथ है ना, उनको यूटिलाइज कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ्स को यूटिलाइज कीजिए। लेकिन साथ ही साथ एक एडवाइस ये है आपके लिए, ज्यादा मनी माइंडेड ना हो। मनी माइंडेडनेस का मतलब ये, देखिए पैसे हर चीज के लिए जरूरी है अनडाउटेडली, लेकिन मनी माइंडेडनेस का मतलब ये है, अगर आप, मैं मैरिड लोगों की बात करूं, है मैरिड लोगों की बात करूं, यहां पर मैरिड के लिए पहले एडवाइस देते हैं, तो अगर थोड़ा सा टाइम आप अपनी फैमिली को भी देंगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छे से चलेगी। मुझे ऐसा दिख रहा है, हो सकता है आपका फोकस ज्यादा अपने काम पर है, फाइनेंसेस पर इस टाइम है, तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी, आप अपने
तो आप अपने ना वर्क पर तो ध्यान दीजिए, लेकिन साथ ही साथ आप अपनी फैमिली पर भी ध्यान दीजिए। मतलब ये है कहने का, दोनों में एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। अगर वहां पर आप कुछ आवर्स दे रहे हैं तो घर पर भी अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ भी दें। और जो लोग सेपरेशन में हैं, ब्रेकअप में हैं या रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए भी यही एडवाइस है, एक बैलेंस क्रिएट करें। बैलेंस के ऐसा ना हो पूरी तरह से, अगर जो लोग सेपरेशन में हैं परेशान हो जाएं, जॉब को खराब कर दें, बिजनेस को खराब कर दें, पूरी तरह से बस एक डाउन नेगेटिविटी में बने रहें, तो ऐसा नहीं करना है। दोनों चीजों में बैलेंस क्रिएट कीजिए। अगर फाइनेंसेस की प्रॉब्लम आ भी रही है, जो लोग रिलेशनशिप में हैं उस पर फोकस करना जरूरी है, तो डेफिनेटली वहां पर भी फोकस करना जरूरी है, बट दोनों चीजों में बैलेंस क्रिएट करें। और बीइंग अ पार्टनर आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ज्यादा डिमांडिंग अभी कुछ टाइम के लिए ना हो, जब तक वो अभी थोड़ा सा फाइनेंशियल ट्रबल से गुजर रहे हैं। इस रिलेशनशिप में ठाकुर जी की, कृष्णा की, लॉर्ड कृष्णा की क्या एडवाइस है पाइल वन वालों के लिए, लेट्स सी कि आप लोगों के लिए कृष्णा क्या एडवाइस कर रहे हैं। अभी हम आउटकम पे भी आ रहे हैं, आउटकम बहुत अच्छा है, आपके पर्सन मुझे एक्शंस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत लविंगली एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टेबल ज्यादा नहीं होंगे अभी पूरी तरह से, अगर जो लोग शादी के लिए सोच रहे हैं तो शादी का मेरे को कम दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ वो आपके पास आएंगे एक स्टेबल कमिटमेंट के साथ, अपने दिल का हाल आपको बताएंगे, रिकंसिलेशन होगा। और जो लोग मैरिड हैं उनकी लड़ाई झगड़ा हुआ है, रूट के अगर गए हुए हैं आपके पार्टनर या गई हुई हैं आपकी पार्टनर, तो उनके वापस पूरे आने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। लेट्स सी कृष्णा आपको क्या एडवाइस कर रहे हैं इस सिचुएशन में, आपकी सिचुएशन में। लेट्स सी कृष्णाज गाइडेंस फॉर पाइल नंबर वन। तो कृष्णा की गाइडेंस यही है, वेरी नाइस, वेरी एप्रोप्रिएट, इनफैक्ट आई वुड से टाइम टू रिलैक्स। ये टाइम है आपके रिलैक्स करने का, ज्यादा वरी नहीं करना, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, एंग्जाइटी नहीं लेनी है, जो हो रहा है होने चाहिए, रिलैक्स, डू नॉट हरी, यू आर वॉच्ड ओवर एंड विल बी लुक्ड आफ्टर। आपके पर्सन जो हैं आपको पूरी तरह से कंसिडरेट करते हैं, आपको वॉच कर रहे हैं, आपका ध्यान रखना चाहते हैं, लोगों से आपके बारे में हो सकता है पूछ रहे हो, आपके सोशल मीडिया पे आपको चेक कर रहे हो, या वैसे भी उनको पता हो आप कहाँ जाते हैं, किन से मिलते हैं, तो वो वहां पर बातों बातों में आपके बारे में पूछते रहते हैं। लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो टू टेस्ट द डिविनिटी, लेट योर फॉल्स ईगो गो, ब्रेक that wall of egoism and self-centeredness and taste the divine. We all are but one creation. Definitely we all are one. So let go of your ego. अपनी जो आपकी ego है ना, please उसको अपने relationship को खराब मत करने दीजिए, क्योंकि जो ईगो है ना वो पूरी तरह से झूठी है, हमेशा ही झूठी है, उसका कोई लेना देना नहीं है रिश्तों में या इस दुनिया में या हमारे जीवन में, वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक खराब करने वाली एनर्जी होती है। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आप अपनी ईगो को लेट गो कीजिए, उसको खत्म कीजिए, उस ईगो को छोड़ के आप जल्दी से अपने पार्टनर के पास खुद से चाहे तो चले जाइए, अगर वो नहीं आ पा रहे हैं, रीच नहीं कर रहे हैं, खुल के बात कीजिए, अपने दिल का हाल बताइए, उनके दिल का हाल सुनिए। सो ओवरऑल वेरी गुड रीडिंग, वेरी पॉजिटिव रीडिंग। अगर आप चीजों को एडवाइस वगैरह को भी फोकस करेंगे, आपको बताया आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके रिश्ते को खराब करना चाहते हैं, आप ध्यान रखिए, सबसे अपने रिश्ते की अपनी प्रॉब्लम्स या अपनी लव लाइफ को डिस्कस नहीं करते हैं। सो अगर आपने आपके साथ ये रेजोनेट किया, मेरे को कमेंट्स बॉक्स में मेरे को जरूर बताइए आपके साथ रेजोनेट की या नहीं की, और आप आगे कौन सी रीडिंग्स चाहते हैं। और सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग न्यू है मेरे चैनल पर, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक भी जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने पार्टनर के साथ, सो दैट उनको भी एक इनसाइट मिले और वो आपके पास फटाफट आ जाए, आपका रिकंसिलेशन फटाफट हो जाए। साथ ही साथ अगर आप टैरो का कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे से टैरो का कोर्स कर सकते हैं एट वेरी नॉमिनल प्राइसेस, बहुत नॉमिनल प्राइसेस पे है। और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स जो स्टूडेंट्स हैं, पहले तो वो रीडिंग के लिए आते हैं बेसिकली, फिर वो ज्यादातर कोर्स भी जो करते हैं वो एस्ट्रो टैप ऐप वगैरह पर एज अ टैरो रीडर काम कर रहे हैं, और जो उन पर भी नहीं कर रहे वो अपनी पर्सनल रीडिंग, पेड रीडिंग वगैरह भी दे रहे हैं।
सो आप भी मेरे से कोर्स कर सकते हैं, न्यूमरोलॉजी का भी कर सकते हैं, रेकी का भी कर सकते हैं। रेकी की वीडियोस मैं शेयर करती हूँ, अभी मैंने बस कुछ ही की है हीलिंग की, आप जरूर उन्हें देखिए। रिकंसिलेशन की रेकी, रिकंसिलेशन के लिए मैंने रेकी दी है, आप उसको जरूर रोज लीजिए हीलिंग को, ठीक है जी। रेकी का फर्स्ट लेवल मैं यूट्यूब पर फ्री शेयर करूंगी, आप मेरे साथ बने रहिए और रेकी का फर्स्ट लेवल अपने आप को तो आप हील कर सकते हैं। सो बाय फॉर नाउ, इट्स टर्न ऑफ पाइल टू। सो पाइल टू, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, लाइकिंग एंड शेयरिंग, एंड सो इट्स योर टर्न। लेट्स सी, अगर जो लोग न्यू हैं पाइल टू, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स सी आपका कैसा रहेगा लॉन्ग टर्म में आपका रिलेशनशिप। ये रीडिंग सभी के लिए, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप अभी सेपरेशन में हैं, ब्रेकअप में हैं, या फिर बॉटम ऑफ द डेक, जो भी होगा आपके लाइफ में, अभी आपके रिलेशनशिप में, मैं देख पा रही हूं वो जजमेंट मेरे को दिखा रहा है। जजमेंट मींस जो भी होगा वो आपके बेस्ट के लिए होगा, दैट इज फॉर योर बेस्ट। ओके डियर, सो लेट्स सी, ये क्या जादू है? सो आई एम सीइंग दैट देयर आर सो मेनी लेसन्स यू नीड टू लर्न। All are major arcana except one is court and one is simple card. So, आपके past में मैं देख पा रही हूँ कुछ चीजें, चाहे समय आपका कैसा भी था, आपका relationship कैसा भी चल रहा था, कैसा भी आपका relationship चल रहा था, लेकिन आपने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी थी, आपने अपनी उम्मीद उस रिश्ते से नहीं छोड़ी थी। हो सकता है आप लोगों का कुछ भी मिस हैपनिंग हुई, कुछ भी हुआ, ब्रेकअप जिनका हुआ था, या सेपरेशन में जो हैं, या फिर जो मैरिड कपल भी हैं उनके बीच में किसी भी तरह का कोई तनाव हुआ था, लेकिन गुड न्यूज ये है, अच्छी चीज आप मेरे को बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, आपने बहुत पॉजिटिविटी के साथ उस चीज को लिया है, आपने एक अपने आप को निराश नहीं होने दिया, क्योंकि आप पूरी तरह से मानते हैं जो भी आपके पार्टनर है, चाहे आप मैरिड आपके पार्टनर है, आपके रिलेशनशिप में जिसमें है, या जिनसे आप सेपरेट हुए हैं, ब्रेकअप हुआ है, आप उनको अपना डिवाइन पार्टनर मानते हैं, आप उनको अपना सोलमेट मानते हैं पूरी तरह से। आपका रिश्ता मैं जहां तक मैं देख पा रही हूँ बहुत ब्यूटीफुल है, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी पैशनेट, वेरी ब्यूटीफुल। प्रेजेंट में जिस कारण आप उसी अपनी पॉजिटिव एनर्जी के कारण अपने आप में बहुत जॉयफुल हैं, बहुत खुश हैं इस समय, अपने आप में ही आप बहुत खुश हैं, और यही यकीन मानिए, ये जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है ना सन की, द हैप्पीएस्ट कार्ड इन द होल टैरो डेक, तो ये जो आपकी हैप्पीनेस की, जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी थी ना, ये हैप्पीनेस, ये स्टेबिलिटी, ये जॉय आपकी लाइफ में, ये आपकी खुद की पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करके लेके आई है। देखिए दोस्तों, हमारे जीवन में वही होता है जैसा हम अंदर से होते हैं, हम वैसी ही सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते हैं। तो आपने जब पॉजिटिविटी दिखाई, चाहे कुछ नेगेटिव भी चल रहा था, तो अब आपके जीवन में आप और ज्यादा पॉजिटिव सिचुएशंस को, पॉजिटिव पीपल्स को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। और उस पॉजिटिव पीपल को अट्रैक्ट करने से हो क्या रहा है, आपकी लाइफ में प्यार आने वाला है। अगर आप मैरिड हैं तो आपके पर्सन अब आपको आपकी तरफ ध्यान देना शुरू कर देंगे, आपको बताएंगे खुल के कि मैं आपसे प्यार करता हूं, करती हूं, चाहे वो मैसेज करें, कॉल करें, आपसे मिलने आए, दे विल डेफिनेटली डू। वो आपको खुल के बताएंगे, वो अपने एफर्ट्स भी डालेंगे, एक्शंस में उनके दिखाई देगा, पहले सिर्फ बोलने में था लेकिन अब उनके एक्शंस में आपको दिखाई देगा। और वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब आपकी खुद की पॉजिटिविटी के कारण हो रहा है। सेकेंड पाइल पीपल, यू आर वेरी पॉजिटिव, वेरी 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 पॉजिटिव पीपल। तो जो अब जो होगा ना, अगर चीजें आपको अभी तक रुकी हुई लग रही थी,
आपके पर्सन ने आना शुरू कर दिया है, चाहे आप देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, मेरे को इंट्यूटिवली भी और आपके कार्ड्स जो आए हैं वो मुझे पूरी तरह से बता रहे हैं कि आपके पार्टनर के लिए आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, आप अपनी लव सिचुएशन को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, आपको विश्वास है परमात्मा पर, अपने रिश्ते पर, अपने पर्सन पर भी विश्वास है, चाहे पास्ट में कुछ भी हुआ है, कुछ भी हुआ है, लेकिन आपको पूरा विश्वास है वो आ रहे हैं, अगर नहीं भी दिख रहे तो वो लेकिन आ रहे हैं, आपको विश्वास भी है और आ भी रहे हैं, ठीक है। तो ये जो टाइम है ना आपका प्रेजेंट में जो टाइम है वो बिग ट्रांसफॉर्मेशन का, ऑल ऑफ अ सर्टन आपके पर्सन आपके पास एकदम से आएंगे और शायद आपको आपके आपको कन्फ्रंट कर रहे हैं इस बार पहली बार, जो वो आपसे पहले नहीं करते थे, आपको अपने दिल का हाल पूरा बताएंगे। जिन लोगों के अभी सेपरेशन में है, ब्रेकअप में है, तो मैं आपको बहुत खुल के बोलना चाहती हूँ, 99.9% कह रही हूँ, वैसे 100% मुझे दिख रहा है आपका रिकंसिलेशन होगा, एक बहुत बिग चेंज आएगा। जो लोग के पास कोई मतलब सिंगल है, जो पूरी तरह से ब्रेकअप हो चुका है, तो उनकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन होगी, उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन ऐसा आएगा जो 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 बहुत 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 आपकी लाइफ में जॉय लेके आएगा, ठीक है। थोड़ी सी स्टकनेस भी आएगी, लेकिन वो आपके लिए ऑब्सेस्ड होगा, पूरी तरह से ऑब्सेस्ड होगा। साथ ही साथ एक बहुत 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 अच्छी जो चीज मुझे दिख रही है इस समय, पूरा डिवाइन, पूरा यूनिवर्स लगा हुआ है आपको मिलाने में, इस रिलेशनशिप को ठीक करने में पूरा यूनिवर्स लगा हुआ है। सिर्फ यूनिवर्सल एनर्जीज ही नहीं, एंजेलिक एनर्जीज ही नहीं, गॉडली एनर्जी ही नहीं, जो आपके आसपास के एनवायरमेंट में लोग हैं ना, जो आपके नोन टूज हैं, वो सब इसी में लगे हुए हैं कि आप दोनों एक हो जाए, आपका रिकंसिलेशन हो जाए, चीजें सॉर्ट आउट हो जाए, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज, बहुत सुंदर एनर्जीज हैं, ऐसा बहुत कम होता है। और जब देखिए डिवाइन चाहते हैं ना, तो वो काम होना ही होना है, डिवाइन इस समय चाहते हैं, तो ये डेफिनेटली आपका रिकंसिलेशन होना ही है। 0.1% चांसेस मैं सिर्फ इसलिए रोक रही हूं क्योंकि कहीं ना कहीं कहीं हम फिर से नेगेटिव ना हो जाएं तो चीजें खराब होने के चांसेस है। अगर आप इसी तरह से पूरी तरह से पॉजिटिव बने रहे तो डिवाइन लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं आप दोनों को मिलाने में। तो अपने जितने भी फियर्स है ना, जिस भी प्रकार का कोई कैसा भी फियर है ना, उसको अपने माइंड से, अपने दिल से, अपने जहन से पूरी तरह से निकाल दीजिए। आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी इंडिपेंडेंस पर काम कीजिए, किसी पर भी कोडिपेंडेंट ना हो, पूरी तरह से आंख मूंद कर विश्वास करके ना चलें। आप अपने आप से डिसीजन लीजिए, किसी पर निर्भर ना होइए। आत्मनिर्भर वाली चीज सुनिए ना, तो प्यार है, पैशन है, एक दूसरे की तरफ इंक्लिनेशन है, क्या कहते हैं उसको, अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन सब कुछ है, लेकिन उसको हावी ना होने दीजिएगा। सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से आगे ना बढ़िएगा, ना किसी और को अपनी तरफ बढ़ने के लिए अग्री होने, मतलब कि अपनी तरफ बढ़ने दीजिए, सॉरी, ठीक है। तो ऑब्सेस्ड नहीं होना, आपने ऑब्सेशन से दूर रहना, प्यार को प्रायोरिटी दे, चेक योर सेल्फ, ठीक है, दिस इज अ टाइम टू चेक योर सेल्फ। लॉन्ग टर्म में कैसा रहेगा ये रिलेशनशिप, लेट मी टेक वन मोर कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक मैंने आपको दिखाया था जजमेंट कार्ड है, तो जो कुछ भी होगा ना वो आपके बेस्ट के लिए होगा, वही आपके लिए ठीक होगा, और ये सब कुछ जो भी है यूनिवर्स कर रहे हैं। सो लेट सी व्हाट इज द आउटकम। आउटकम क्या होगा, जितना भी नेगेटिविटी था, जितनी भी नेगेटिविटी थी, वो सारी की सारी नेगेटिविटी अब मुझे जब आपको दिखाई देगा ना, ये सारी चीजें हो रही हैं, तो जो आपके माइंड में आपके पर्सन स्टक थे, वो ऑटोमेटिकली अपने माइंड से उनकी स्टकनेस खत्म होगी, उनकी नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स जो थे वो खत्म होंगे। सेकंड थिंग, ये जो एक बहुत बिग मेजर एंडिंग हो रही है, या तो ये रिश्ता पूरी तरह से खत्म होगा, या फिर ये रिश्ता पूरी तरह से, अब जो नेगेटिविटी थी, जो टॉक्सिसिटी थी, जो प्रॉब्लम्स थी, जो
रुकावटें थी वो पूरी तरह से खत्म होके आपके पर्सन आपके पास आएंगे, या क्योंकि क्यों आएंगे, क्योंकि अभी तो वो भी बहुत परेशान थे, बहुत ज्यादा परेशान थे, तो वो भी वो देख ही नहीं पा रहे थे। देखिए दोनों कार्ड, तीनों ही कार्ड ये पूरी तरह से इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके पर्सन देख ही नहीं पा रहे थे, उनके अंदर ना जबरदस्ती के जो फियर्स थे ना, वो फियर्स अब पूरी तरह से वो आउट बाहर, उससे उस एनर्जी से बाहर आके टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ रहे हैं, अबंडेंस की एनर्जी में आ रहे हैं। तो अबंडेंस की एनर्जी हमेशा प्यार में होती है, हमेशा प्यार में होती है, पॉजिटिविटी में होती है, पॉजिटिव थिंकिंग में होती है, पॉजिटिव व्यूज में होती है। तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपके साथ एक पॉजिटिव फिर से एक नई शुरुआत, ट्रांसफॉर्मेशन होगी। अगर आपके पर्सन, अगेन मैं एक बार रिपीट कर दूं, आपके पर्सन जो आपके हैं, जिनसे आपका ब्रेकअप हुआ है, या आपके मैरिड पार्टनर हैं, या जिनसे आप सेपरेशन में हैं, या रिलेशनशिप में, अगर वो आपके साथ आएंगे तो पूरी तरह से आएंगे, और अगर अब इस सिचुएशन वो आपको छोड़ेंगे तो पूरी तरह से ये रिश्ता खत्म होगा। तो लेट्स सी कृष्णा की क्या गाइडेंस है टू हैव मोर इनसाइट कि इस रिलेशनशिप का आगे क्या होने वाला। सो लेट्स सी कृष्णास गाइडेंस, वन मोर। ओके, थैंक यू लॉर्ड कृष्णा। ओके, कृष्णा कह रहे हैं बी ओपन, ब्लेसिंग्स आर देयर, द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप इज देयर। सो लेट्स टेक वन कार्ड। God and blessings come in unexpected ways. Be open to receive them. Oh my goodness. So, I already told you ki big transformations hone wali hai. Jo bhi hoga, wo bahut big hoga. Aur aap already positive hain. To negativity ko ab haavi na hone de. Agar aap puri tarah se khule rahenge, matlab khule rehne ka matlab ye, ओपन करके रखेंगे अपने हार्ट को, एक्सेप्टेंस के मोड में रहेंगे, स्वीकार करने के मोड में रहेंगे, तो आपकी जिंदगी में गॉड ब्लेसिंग्स, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी अच्छी अच्छी हैपनिंग्स होने के लिए रेडी खड़ी हैं। बस आपको अपने दिल के द्वार को खोलना है। वाह वाह, द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप इज द बिगेस्ट गिफ्ट, नर्चर योर फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप। तो जब अगर ये कार्ड मुझे इंडिकेट कर रहा है, जो भी आपके पर्सन ने लास्ट में मिस्टेक किए हैं, पास्ट में मिस्टेक्स किए हैं, अब वो आपके पास जब आएंगे तो उनको स्वीकार कीजिए, ये कार्ड ये शो कर रहा है। सच अ ब्यूटीफुल रीडिंग, सच अ ब्यूटीफुल रीडिंग। तो लॉर्ड कृष्णा ठाकुर जी आपको कह रहे हैं कि आप अपने पर्सन को स्वीकार कर लीजिएगा, अच्छा होगा, जो होगा आपके फेवर में होगा। ओ ओ ओ ओ द बेस्ट कार्ड, ब्लेसिंग्स, दिस कार्ड ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स। तो ठाकुर जी आपको बहुत 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 ब्लेस कर रहे हैं कि आपका रिकंसिलेशन हो जाए, आपका फिर से पैचअप हो जाए, आपकी लाइफ में कोई नया बंदा आ जाए या बंदी आ जाए। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत प्यारी रीडिंग थी, मैं बहुत खुश हूं, डेफिनेटली आप भी बहुत खुश हो रहे होंगे। तो पाइल्स की रीडिंग थी आपके साथ, अगर आपकी सिचुएशन के साथ रीडिंग रेजोनेट की है तो फटाफट लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए, और साथ में कमेंट में आप मेरे साथ ये भी शेयर कर सकते हैं नेक्स्ट रीडिंग आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं। अगर आप में से जो लोग न्यू थे वो फटाफट सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मेरे से टैरो का कोर्स करना चाहते हैं एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट, आप वो भी कर सकते हैं। आप रेकी हीलिंग्स ले सकते हैं मेरे से, ऑनलाइन ग्रुप रेकी हीलिंग्स भी चलती है हमारे डिस्टेंस, साथ ही साथ आप रेकी का कोर्स भी कर सकते हैं। बहुत जल्दी मैं रेकी का फर्स्ट लेवल अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल करूंगी, बाकी के चार्जेबल होंगे। आप न्यूमरोलॉजी का कोर्स भी कर सकते हैं, न्यूमरोलॉजी से आप अपना नाम भी मेरे से चेंज करवा सकते हैं। आपके अगर बच्चे छोटे हैं तो अपने बच्चों का नाम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग लिखवाइए, सो दैट उनकी लाइफ में जो हर्डल्स आनी है, जो चैलेंजेस आने हैं, हम उनको ओवरकम कर सकें, उनको कम से कम कर सकें उनके नाम के द्वारा। सो बाय फॉर नाउ, कीप स्माइलिंग, बी पॉजिटिव। जो होगा सब बेस्ट के लिए होगा। ठाकुर जी ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। राधे राधे।